प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि बच्चे ने 99 नंबर ले लिए परंतु उसको यदि मालूम था भी कितने में से लिए आज भी बचपने जैसी वो बातें करता है। मैं तो ये कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कि वो उन्नू ज्ञानवर्धन किताब दे ले जिससे उसको कुछ बुद्धि आ जाए, नहीं कुछ ना कुछ ठीक तो बोलना चाहिए। और लगातार मैं आप लोगों को एक और विश्वास ये दिलाता हूं, आप सब आज इस परिवार में शामिल हुए हैं, कभी भी आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपको सम्मान के बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप लोग यहां पधारे हैं, मैं आप सबका खुले दिल से खुले मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग कभी भी आइए, कभी भी मिलिए आकर के, हमारा सबका एक ही मिशन है। अब मिशन है कि हरियाणा को और मजबूती देते हुए तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस के अंदर हरियाणा को विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी किरण चौधरी जी ने भी उसकी बात की है कि उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं था, कोई विषय भी नहीं था, बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब कुछ ना कुछ चाहिए तो फिर उस संविधान की किताब उठाएगा खड़े हो गए। बोलना तो था, जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो संविधान ही फंस गया। परंतु उसको यह ध्यान नहीं है राहुल को कि जिस संविधान को उठा करके आपने पूरे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की है, तो अपने पूर्वजों की तरफ तो देख। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस लोकसभा के माननीय सदस्य थे जिस पवित्र संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम अगर पहली बार किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसकी मूल भावना के साथ खेलने का काम, खिलवाड़ करने का काम वो जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसको ध्यान में नहीं है। और वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी विरोध किया कि धारा 370 को आप ही संविधान में शामिल मत कीजिए, जिसको पूरे देश ने भुगता है, जिसको पूरे देश ने उस धारा 370 की पीड़ा को सहा है, जिस पीड़ा को हमारे कश्मीरी पंडितों ने सहा है, उसको ध्यान नहीं है, आज तक बोला नहीं है, और धारा 370 को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया कि आप नहीं कर सकते, परंतु सबसे पहले अगर छेड़छाड़ की गई तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और दूसरा, जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ की गई उसको ध्यान नहीं है इस बात का, जब दूसरी बार छेड़छाड़ की गई देश के अंदर, जब इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने धारा 39 इस संविधान के अंदर शामिल की गई। और वो धारा 39 क्या थी, उसके अंदर क्या लिखा था, उसके अंदर ये लिखा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी को अत्याचार करके बन जाए, या कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके बन जाए, कोई प्रधानमंत्री
भाइयों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बन जाए या किसी के ऊपर वो कोई भी उसके ऊपर इल्जाम हो और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट ये इसने किया था, ये संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ थी। अरे अगर कोई भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री फंसा है उसको बचाने के लिए उस संविधान के अंदर परिवर्तन किया गया, और हमने इससे तीसरी पीढ़ी में भी देखा है। अरे इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अंदर बिल पास किया, ये तो खाली सांसद था, ये तो इसके पास पावर भी नहीं थी कुछ भी। अरे ये लोकसभा में खड़ा होता है, उस बिल को उठाता है और उसको तार तार कर देता है, वो उसके ऊपर फेंक देता है। कहां संविधान था, कहां लोकतंत्र था, कहां वो पवित्र संसद का मंदिर था, कुछ भी नहीं देखा। किस प्रकार के हालात किए भाइयों, जो लोग ये संविधान की बुक उठा करके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस देश से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों ने, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो इनका एजेंडा है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि काठ की अंडिया एक बार चढ़ेगी बार बार नहीं चढ़ेगी। बुजुर्ग कोई बात तंत्र निकाल करके बोलते हैं, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। अरे इस बात का भी भाई ध्यान रखियो, एक बड़ा और झूठ पता नहीं कौन सा तैयार कर रहे हैं, वो लगा छोड़ देंगे जा उससे बचना भी है बचाना भी है। क्या हालात की है, उस नए झूठ से भी बचना चाहिए। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आप आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप बन जाएं, इसके लिए आप अपना मोबाइल निकालिए, एक नंबर डायल कीजिए। है अच्छा, ले रहे हैं काफी ले रहे हैं, चलो वो लिख लियो 7820 7820 7820। बस इसको डायल कर दीजिए, एक लिंक आपके पास आ जाएगा और उसके अंदर अपना पूरा विवरण भर दीजिए, मिस कॉल मार दीजिए इसके ऊपर। आपके पास एक एसएमएस आएगा, पहुंच जाएगा कुछ देर में, और उस पर लिंक आएगा, एक उस लिंक के अंदर वो पूछता रहेगा, आपके पूरा विवरण उसके अंदर डलेगा और उसकी आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप आपकी उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी।